नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। चीन को लेकर बाहरी दुनिया के सामने एक ऐसी तस्वीर बनाई गई है जिससे ड्रैगन के बेहद मजबूत होने की झलक दिखती है, लेकिन क्या ये सच है? इस मामले पर विशेषज्ञों का कुछ और कहना है। चाइना कॉप के लेखक ग्रासाइड रोजर ग्रासाइड कहते हैं कि बाहरी दुनिया के सामने तथाकथित स्थिरता के दावों के विपरीत चीन बाहरी रूप से मजबूत है लेकिन अंदर से कमजोर है। बीजिंग में ब्रिटिश दूतावास में दो बार सेवा देने वाले ग्रासाइड का कहना है कि चीन के आंतरिक कारक मौजूदा शासन को अस्थिर कर सकते हैं। यह बयान ऐसे समय आया जब चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग इस साल नेशनल पार्टी कांग्रेस में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार खुद को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रासाइड ने कहा कि राष्ट्रपति सी की मौजूदगी सरकार अपने बजट का ज़्यादा हिस्सा सेना पर खर्च करने की तुलना में आंतरिक सुरक्षा पर खर्च कर रही है। उन्होंने कहा यह अपने आंतरिक दुश्मनों से डरता है। लेखक का मानना है कि कम्युनिस्ट नेता का एक समूह चीनी नेता सी जिनपिंग के खिलाफ आंतरिक तख्तापलट कर सकता है और चीन को एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में बदल सकता है। पूर्व राजनयिक ग्रासाइड ने द एपोस्ट टाइम को बताया, चीन की राजनीतिक स्थिति गंभीर रूप से बीमार है, केवल प्रत्यारोपण ही राजनीतिक शरीर को बचा सकता है और इसका एकमात्र अन्य इलाज कोई है तो वह प्रतिस्पर्धी लोकतंत्र प्रणाली है। ग्रासाइड के अनुसार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में उच्च स्तरीय नेतृत्व का मानना है कि चीन को बहुत जोखिम भरे और खतरनाक दिशा में ले जा रहे हैं। प्रियर ली केकी यांग सहित चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नेताओं का मानना है कि शी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भविष्य के साथ साथ अपनी संपत्ति और शक्ति को भी खतरे में डाल रहे हैं। यह दावा करते हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नेता चीनी नेता के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लेखक ने आगे कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कमजोरी के कुछ संकेत इस तरह से तख्तापलट को सक्षम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पत्रकार ने बताया कि चीन जिस तरह से बाहरी रूप से मजबूत दिखता है उतना ही आंतरिक रूप से बहुत कमजोर है। उसे अपनों से ही डर है, कहीं उसके अपने तख्तापलट ना कर दे। इस वीडियो को देखकर आप हमें क्या कमेंट्स करते हैं, हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।